बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, वो बिहार जहाँ की शिक्षा व्यवस्था के ढिंडोरा पीटते नीतीश कुमार कभी थकते नहीं है। वो हर मंच से ये कहते हैं कि बिहार क्या था, हमने बिहार को क्या बना दिया। सच कह रहे हैं नीतीश बाबू, आपने बिहार को क्या बना दिया है। बच्चों को कैदी बनाकर रखा जा रहा है आपके बिहार में। 250 बच्चे जो स्कूल में पिछले 7 दिनों तक बंद हैं, उनका पढ़ाई बाधित हो रहा है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और आपके बिहार में दबंगई देखिए, इतना बदमाश का मनोबल बढ़ गया है कि वो बच्चों को कैदी बना लिए हैं। बच्चे लगातार 7 दिनों तक आवासीय विद्यालय के अंदर है। ये पूरा मामला बेगूसराय से निकलकर सामने आया है, जहां पर एक प्राइवेट स्कूल में लगभग 700 बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिसमें से 200-250 बच्चे हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं। लेकिन इस हॉस्टल वाले बच्चों को 7 दिनों तक बंधक बना के रखा गया है। आने जाने का जो रास्ता है उसे बुलडोजर लेकर गड्ढा कर दिया गया उन रास्तों पर। स्कूल का जो गेट है, जिस हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं उस हॉस्टल के बाहर जो गेट लगा हुआ है, वहाँ पर बुलडोजर खड़ा कर दिया गया है ताकि बच्चे आवासीय विद्यालय के बाहर ही ना निकल पाएं। इस तरीके की स्थिति की गई है कि बच्चे बेबस हो चुके हैं। सुनिए आप बच्चे क्या कह रहे हैं। अभी ये 250 लोग आते थे, हम लोग 7 दिन से एक ही हॉस्टल में कैद है। 250 लड़के हम लोग 7 दिनों से कैद हैं हॉस्टल में। हम लोग का गार्जियन भी नहीं आ पा रहे, ना फ़ोन उन आता है। बाहर निकलते हम लोग उसमें भी डर लगता है, गाली गलौज हम लोग के साथ किया जाता है। और क्या दिक्कत हो रहा है? और बहुत बार होता है कि वो लोग आते हैं मेरे खिड़की से पीछे से लाठी उठी भी बजाते हैं। और फिर एक बार और आए थे कुछ दिन पहले, जैसे भी उसे भी लेकर आए थे। हमारे रोड के बाहर स्कूल के बाहर रोड जाम कर दिया गया था, तो उसमें भी हमारा पढ़ाई बाधित हुआ था। और इन दिनों 7 दिनों से भी पढ़ाई बंद है हम लोगों का, और आगे 7 दिन और एक्स्ट्रा छुट्टी मिला हम लोग को। क्या क्या जिला प्रशासन से क्या मांग करते हो? हम उनसे ही मांग करते हैं कि आके हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जल्द से जल्द हमारी पढ़ाई शुरू करवाई जाए और इनसे हम लोग को छुटकारा दिया। क्या नाम है? मानसुराज सर। 1.5 महीने से यहाँ पर पीछे से आते हैं, उधर देवाल फोन कर और यहाँ पर हमें दिक्कत देते हैं, गाली ग्लोज करते हैं। बहुत दिन से हम लोग डर के मारे बाहर भी पानी पीने या फिर टॉयलेट करने नहीं जा पाते हैं, गाली ग्लोज करते रहते हैं यहाँ पर। इससे हमें पढ़ने में भी दिक्कत होती है। कुछ दिनों से हमारा स्कूल भी बंद है, वहाँ पर गड्ढा कर दिए हैं, पढ़ाई में पूरा दिक्कत हो रही है सर। वहाँ पर रोड पर जेसीबी से गड्ढा कर दिए हैं, और जिससे स्कूल भी बंद है और पढ़ाई हमारा बैठ रहा है सर। 3-4 लोग मतलब 5-6 लोग आते हैं यहाँ पे, गाली गलौज करते हैं। हम लोग को पानी पीने वाशरूम जाने में भी डर लगता है और दिक्कत होती है। बहुत दिनों से हम लोग का पढ़ाई भी रुका हुआ है। और गड्ढा किस तरह से रास्ते पर? जेसीबी से गड्ढा कर दिया है। आने जाने में भी बहुत लोग को दिक्कत होता है, हम लोग का पढ़ाई भी रुका हुआ है। कब से पढ़ाई लिखने बाधित है? कम से कम 6-7 दिन से। 6-7 दिन से बाधित है। हाँ, आते हैं लोग कितने घंटे आते हैं? लोग शाम को आ जाते हैं, उसके बाद से रहते हैं, उसके बाद से मतलब हल्ला करते हैं। हम लोग को पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता है, जो भी याद करना रहता है वो याद नहीं हो पाता है। कितने दिन से हॉस्टल में कैद हो तुम लोग? बहुत दिन से। किस तरह से कैद हो? क्या परेशानी हो रही है? कहीं जाने आने में कोई कहीं नहीं जाने दे रहा है लोग? नहीं, जाने आने में भी दिक्कत होता है, डर लगता है। क्या नाम है? मीरा कुमारी। आपने देखा एक एक बच्चे क्या कह रहे हैं कि कितनी परेशानी हो रही है उन्हें, 7 दिनों तक पढ़ाई बाधित है और अब हश्र ये हो जाएगा कि इनके पास खाने के सामान भी नहीं बचेंगे। हॉस्टल में जो खाने का सामान पड़ा हुआ है अभी तक तो यही खा रहे हैं बच्चे, लेकिन वो दिन दूर नहीं क्योंकि आपकी प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। बच्चों का हश्र ये हो रहा है कि 7 दिनों तक इसी जगह पर मौजूद है। और आपने सुना कि किस तरीके से बच्चे कह रहे हैं कि हम तो बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, हमें वॉशरूम जाने में परेशानी होती है क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से कुछ बदमाश स्कूल के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद हमें परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिससे पढ़ाई भी बाधित होती है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, हमें डर लगता है।
और इन तमाम बच्चों की उम्र देखिए, 10 से 15 साल की उम्र होगी इन लोगों की, और इस उम्र में इस तरीके का सितम उन पर ढाया जा रहा है। बच्चे विवश हो गए हैं, लगातार प्रशासन से गुहार लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपकी प्रशासन भी तो पल्ला झाड़ रही है। प्रशासन क्या कह रही है, एक बार आप पहले वो सुन लीजिए। मैम, शाहपुर कमाल थाना क्षेत्र के समस्तीपुर गांव में कुछ दबंगों के द्वारा आने जाने वाला रास्ता था, उसको बाधित कर दिया गया। जेसीबी से रास्ता को खोद दिया गया है और आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके वहाँ पे एक स्कूल भी है, निजी स्कूल है, उसमें कई बच्चे अभी भी कैद है। आने जाने में उसको काफ़ी परेशानी झेलना पड़ रहा है। क्या किस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई है? अभी कुछ देर पहले हमको मामले की जानकारी हुई है, तो इस संबंध में वहाँ के जो SHO है उनको जाँच का आदेश दिया गया है, और जांच के बाद जो भी पाया जाएगा दोषी पे कार्रवाई होगी। आपने देखा कि क्या कह रही है प्रशासन, नीतीश कुमार की प्रशासन, कि हमें अभी इस बात की जानकारी मिली है। मैडम, आप क्या कर रही थी 7 दिनों तक? आपके आसपास क्या हो रहा है? बदमाश इतना बेखौफ हो गए, आपको ये पता नहीं है क्या? आप हाथ पर हाथ धरी बैठी, और जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप जवाब देती हैं कि कुछ समय पहले हमें इस बात की जानकारी हुई है, HSA को बता दिया गया है, और वो इस पूरे मामले में संज्ञान लेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अब इनके जांच पड़ताल में कितना समय जाएगा ये तो ये मैडम ही जाने, और तब तक बच्चे विवश होकर अंदर बैठे रहेंगे। तस्वीरें देखिए आप, बच्चे जिस हॉस्टल में मौजूद है उस हॉस्टल के बाहर की तस्वीर है ये, जहाँ पर रास्ते पर एक बड़ा गड्ढा बना दिया गया है ताकि बच्चे बाहर ही नहीं निकल पाए, और बुलडोजर को उस गेट पर रखा गया है जिस गेट से बच्चे बाहर निकलते हैं। 7 दिनों तक बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, और आने वाले 7 दिनों में इनकी छुट्टी भी है, और 7 दिनों तक नहीं जा पाएंगे, पढ़ाई तो बाधित होगी ही। और पता नहीं नीतीश कुमार की प्रशासन को कब होश आएगा और इस पूरे मामले में संज्ञान लेगी। परसों रात हमको जानकारी मिला प्रिंसिपल साहब के द्वारा, जो मेरे विद्यालय पर आकर के कुछ असामाजिक तत्व, मेरे कैमरा को बंद कर दिया गया है और बाहर से गाली गलौज कर JCB लेकर के रास्ता को काट रहा है। मैंने स्थानीय थाना को सूचना दिया, स्थानीय थाना के द्वारा 112 को भी दिया गया जानकारी, 112 यहाँ आया। जब तक 112 यहाँ से आया और गया तब तक पूरा रोड कट चुका था। यह मेरे क्षेत्र का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जो ऐसे चेहते शिक्षा के जगत में यह इंग्लो इंडियन ऐसा बच्चे को शिक्षा दे रहा था, आज इसको बाधित किया गया है असामाजिक तत्वों के द्वारा, चाहे कोई भी हो। हम चाहेंगे जो असामाजिक तत्व मेरे शिक्षा को बाधित करता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, जो सड़क अवरुद्ध किया गया है उसको तत्काल तुरंत उसको गड्ढा को भरवा करके बच्चे को निकाला जाए और विद्यालय का पठन पाठन सुचारू रूप से चलाया जाए। कितने बच्चे कैद हैं? हम लगभग हमको बुझा 250 बच्चे हुए। किस तरह से सड़क को JCB के माध्यम से काटा गया, क्या इससे क्या लग रहा है? हम तो ये तो काटने वाले का नाम तो हम नहीं जान रहे हैं, जो किसी से हम पूछेंगे, लेकिन हम आए तो देखे कि रोड क्षतिग्रस्त है, रोड को JCB से काटा गया है, रात में काटा गया है, रात में तो कोई रहता है नहीं यहाँ। विद्यालय बंद है, विद्यालय बच्चे अंदर कैद हैं। विद्यालय हम आए सुबह, जब रात में जानकारी मिला सुबह, हम आए सुबह से देख रहे हैं कि आने जाने का कोई रास्ता नहीं, बड़ा गड्ढा है, तो खतरा कैसे बच्चा बुतरू आएगा यहाँ पे। यहाँ के लोग भी इस रास्ते से आते हैं और जाते हैं? हाँ, बहुत लोग आते जाते हैं, आप तो देख ही रहे हैं जो गड्ढा कितना परेशानी होता है। हम लोग जब आने जाने में परेशानी होता है, कहीं गिर जाएंगे, पैर टूट जाएगा, तो बच्चे लोग क्या कर सकते हैं। मनोज कुमार सिंह मेरा नाम है, मैं समस्तीपुर का सरपंच हूँ। रविवार रात को कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा हम लोग का कैमरा ऑफ कर दिया गया था और अंदर से मेन जो गेट है उसको बंद कर दिया गया था, तो हम लोग डर से अंदर हो गए और बाहर में कुछ JCB के द्वारा ये गड्ढा खोदा गया ताकि स्कूल का जो अध्यापन कार्य है ये प्रभावित हो। और सोमवार से हम लोग का जो स्कूल है वो बंद है, जो डे वाले बच्चे हैं वो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं और हॉस्टल के बच्चे अंदर कैद हैं, चूँकि रास्ता जो है वो अवरुद्ध है। कितने बच्चे हैं स्कूल में हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है, उनकी खाने पीने की व्यवस्था कैसे की जा रही है, क्योंकि रास्ता तो अवरुद्ध है? रास्ता अवरुद्ध होने की वजह से काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कुछ गार्जियन जो हैं वो बच्चे को लेके चले गए हैं इस व्यवस्था को देख के, और बहुत गार्जियन का फ़ोन आ रहा है कि हम बच्चे को नहीं रख पाएंगे, चूँकि यहाँ दिक्कत है रास्ते का, उनको खाने पीने में कुछ दिक्कत हो रही है। हम लोग प्रशासन से
रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए रास्ते को। प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? प्रशासन के तरफ से कुछ उस तरह का नहीं हो पाया, लेकिन ये मिल रहा है कि हो जाएगा। हम लोग आशा करते हैं कि प्रशासन मुस्तैदी से इसको शॉर्ट आउट करे ताकि हम लोग अध्यापन कार्य। ग्रामीण लोग भी आते हैं क्या? हाँ, इस रास्ते से ग्रामीण रोड ग्रामीण आदमी भी आते हैं और गाड़ी वगैरह जो है उसी रास्ते से आता है। तो किस तरह से कहाँ तक ये रास्ता को गड्ढे में तब्दील कर दिया गया है, कहाँ कहाँ खुदा है, क्या लग रहा है? मेन रोड से जो नीचे जो उतरता है, एक तो वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा है, उसके बाद कुछ दूर आगे जो मोर स्कूल के तरफ होता है वहाँ भी बहुत बड़ा गड्ढा है। मतलब वहाँ से आना अभी बच्चे को बहुत संभव नहीं है कि स्कूल आ पाए। क्या नाम है? मेरा नाम पंकज कुमार सिंह। क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत हो रहा है बच्चे लोग को? पिछले एक सप्ताह से स्कूल हॉस्टल में कैद है, क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ कुछ अपराधी तत्व के लोग आके रात में या कभी शाम में आके गाली गलौज करते हैं। गर्ल हॉस्टल इधर जाके गलत टिप्पणी बच्ची पे किया जाता है। हम लोग का कैमरा बंद कर दिया जाता है, गेट में ताला बाहर से मार दिया जाता है। उसके बाद हम लोग के साथ भी गाली गलौज और रंगदारी के लिए कहा जाता है, रंगदारी टैक्स दो नहीं तो यहाँ से भागो, नहीं तो जान से मार देंगे। अच्छा, कितने दिनों से इस तरह की हरकत सामने आ रही है? ये तो हो रहा है, पिछले 3-4 बार हो चुका है, 3-4 महीना से। हम लोग पिछले बार भी सहपुर कमाल थाना को जानकारी दिए थे, वो लोग भेजे, फिर पूर्ण वृत्ति जो हो रहा है। अच्छा, फिर दोबारा आपने प्रशासन को इसकी सूचना दी? जी, हम लोग इसकी सूचना परसों 112 पे दिया, उसके बाद थाना प्रभारी जी से बात हुई, हिमांशु जी से 112 यहाँ आके फिर बात उत हुई, तब हम लोग फिर कुछ धीरे बात यहाँ से बाहर निकले। किस तरह से रोड को बाधित किया गया है, कैसे काट दिया गया है रोड? यहाँ हम लोग को अंदर बंद कर दिया जाता है, हम लोग का सारा कैमरा बंद कर दिया जाता है स्कूल में। हम लोग सारे रूम में सारे जगह कैमरा लगाए हुए हैं, सारे कैमरे को बंद करके उसके बाद जेसीबी से कुछ लोग आके जेसीबी से वहाँ गड्ढा करते हैं, हम लोग के साथ गाली गलौज करते हैं, हम लोग को निकलने नहीं दिया जाता है स्कूल से। किस तरह से आप लोग डरे सहमे हैं, क्या लग रहा है? को जान माल की खतरा दिख रहा है, काफी डरे, हम लोग बहुत प्रभावित हो गए। हम लोग के साथ ही लगभग 2-3 महीना से हो रहा है, यहाँ से लगभग 200-300 बच्चा जा भी चुका है हम लोग के यहाँ से। अभी कितने बच्चे कैद है इस हॉस्टल में? अभी लगभग 200 बच्चे कैद है और लगभग 700 बच्चा का पठन पाठन यहाँ से प्रभावित हो चुका है। क्या मांग करते हैं आप जिला प्रशासन से? मांग करते हैं जो इसको पूर्ण पठन पाठन को पूर्ण सुचारू रूप से बहाल करे। क्या नाम है? कृष्ण मुरारी। मुकुंद नहीं है अपन सब के नेता
40 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।